दोस्तों घर बैठे स्मार्टफोन एप्लीकेशन द्वारा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं या फिर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है इस लॉकडाउन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों मैं जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस कंपनी के जरिए से मैक्सिमम लोन 15,000 रुपए ले सकते हैं। क्या होगी डॉक्यूमेंटेशन और आपकी क्या होगी एलिजिबिलिटी इस कंपनी के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए, सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल मेरे से किए गए हैं, भाई ये हमें दोबारा लोन प्रोवाइड कराती है या फिर नहीं। अगर आप इस कंपनी द्वारा पहले से लोन ले रखे हैं तो किस तरह से लोन को रिपेमेंट करने के बाद आपको दोबारा लोन मिल सकते हैं या फिर नहीं, ये चीज़ें आज हम भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके कई तरह के सवाल भी हैं, ये कंपनी किस तरह से वर्क करती है, क्या प्रोसेसिंग फी लगती है और कितने दिनों का समय यहाँ पर दिया जाता है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, सोचिए समझिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कंपनी है और किस तरह से वर्क करती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस कंपनी के अंदर में मैंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करें ये है लोनी, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 1,000 रुपये का मैंने लोन लेकर आपको लास्ट टाइम दिखाया था। ये हाँ, आपको EMI की तरह ही लोन को रिपेमेंट करने की सुविधा दी जाती है, यानी मैक्सिमम आपको 62 दिनों का समय मिल जाता है, यानी 2 महीनों के लिए। ऐसे में आपको लास्ट टाइम मैंने 1,000 रुपये लोन लेकर दिखाया था और 810 रुपये हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे, बाकी इंटरेस्ट फी और प्रोसेसिंग फी काट लिया गया था। तो इस तरह से भाई एप्लीकेशन या फिर इस तरह से कंपनी वर्क करती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 1,000 रुपये के लिए मैंने लोन अप्लाई किया था। आप यहाँ पर देख पाएंगे इशू है 9 मई 2021 को। लोन पीरियड यहाँ पर देख पाएंगे 61 दिनों का समय दिया गया, यानी मैक्सिमम 2 महीनों के लिए। फाइनल रिपेमेंट यहाँ पर देख पाएंगे 9 जुलाई को है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे यानी नेक्स्ट पेमेंट डेट जो है 9 जुलाई 2021 को है। यहाँ पर देख पाएंगे 522 रुपये हमें पर मंथ EMI पेमेंट्स करनी होती है। पहले EMI मैंने पेमेंट्स कर दिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोनी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर में अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लोन ले रखे हैं, तो किस तरह से लोन का रिपेमेंट्स करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपकी EMI चल रही है तो किस तरह से मैनुअल तरीके से पेमेंट्स करेंगे, उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और ये वीडियो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये लास्ट हमारी EMI पेमेंट्स है, और मैंने लास्ट टाइम ही आपको 1,000 रुपये का लोन लेकर दिखाया था। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल आता है क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको देने होते हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देने होंगे, यानी एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड देंगे और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको पैन कार्ड यहाँ पर देने होंगे। 6 महीने के एटलीस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट तो देनी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। यदि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड प्रोफेशनल हैं, दोनों कैटेगरी में आपको यहाँ पर लोन्स मिल जाने वाले हैं, और आपके थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन किस होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में, और थोड़ी बहुत सिविल भी होनी चाहिए। हालांकि ये लॉकडाउन के समय में ही कंपनी लॉन्च करी गई थी और मैंने इस कंपनी का फुल रिव्यू किया था और लोन अप्लाई करके भी दिखाया था। अगर आज के डेट में इस कंपनी द्वारा लोन अप्लाई करते हैं तो कल के डेट में ही आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, आज के डेट में नहीं होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। हालांकि इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं सारी चीज़ें कवर इस वीडियो में भी मैं कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कि भाई क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लगने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो मिनिमम आपकी 15,000 रुपये सैलरी तो एटलीस्ट होनी चाहिए या फिर आपकी इनकम होनी चाहिए, यानी इनकम का स्रोत होना जरूरी है। उसके बाद इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। तो भाई अगर यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड प्रोफेशनल है, दोनों कैटेगरी में लोन यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। आधार पैन और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही लोन्स प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर मुझे 2 महीने की EMI पेमेंट्स करने की सुविधा मिली है और ये आखिरी EMI है जो कि 522 रुपये है। बहुत सारे लोगों को सवाल भी आ रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर लोन को रिपेमेंट कर देता हूँ तो क्या मुझे दोबारा लोन मिलेगी या फिर नहीं, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये सिर्फ आपके डिमांड्स के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। समय से पहले यहाँ पर देख पाएंगे कि 9 जुलाई को मुझे EMI पेमेंट्स करनी है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर आज की डेट में पेमेंट्स करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि दोबारा हमें अप्रूवल मिलती है या फिर नहीं, या फिर हमारे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे या फिर नहीं, सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाइव ही देने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। अब यहाँ पर लास्ट EMI जो है 522 रुपये है और मैं इसे पेमेंट्स करना चाहता हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे कि पे वाले बटन के ऊपर सिंपल हमें क्लिक करना है। दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे 522 रुपये यहां पर रिसीव करने के लिए गेटवे ओपन हो चुका है, यानी पेमेंट रिसीव करने के लिए।
आप यहाँ पर देख पाएंगे UPI के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि गूगल पे, फोन पे या फिर कार्ड के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के जरिए से। मैं यहाँ पर फोन पे के जरिए से पेमेंट्स करने वाला हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे ऐप्स के अंदर में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे के अंदर में, ताकि मैं 522 रुपये लोन का रिपेमेंट्स कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पाएंगे फोन पे अंदर में आ चुके हैं और ऐसे में 522 रुपये हमें लास्ट EMI पेमेंट्स करनी है। अपने हिसाब से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और नीचे से सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन एंटर करेंगे और आप थोड़ा सा वेट करेंगे। फाइनल स्क्रीन के सामने देख पाएंगे मैंने 522 रुपये लास्ट EMI पेमेंट्स मैंने कर दिया है लोनी के अंदर। अब यहां पर देख पाएंगे प्रोसेसिंग चल रही है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर स्क्रीन के सामने आप देख पाएंगे कि यहां पर मैंने फाइनली यहां पर लोन का रिपेमेंट्स मैंने कर दिया है। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट्स करेंगे तो इस तरह से आपको 10,000 रुपये तक का लिमिट्स आपको मिल सकती है। मैक्सिमम लिमिट्स आपको यहाँ पर 15,000 रुपये ही बताए जाते हैं। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट्स करेंगे तो इसी तरह से आपकी लिमिट्स भी इंक्रीज होगी, और जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि टाइम से लोन को रिपेमेंट्स करिए और आपके सिबिल भी इस तरह से बिल्ड होते रहेगी। चलिए यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे हमें यहाँ पर दोबारा अप्रूवल मिलती है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। साथ साथ ऊपर में देखेंगे कि योर लोन इज अप्रूव, तो इससे ये पता चलता है ये कंपनी अभी भी वर्क कर रही है लोन रिपेमेंट्स करने के बाद। 2,000 रुपये का अगर मैं लोन लूँ तो ऐसे में यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 401 रुपये देने होंगे। हमारे बैंक खाते में जो भी रिसीव होंगे 1599 रुपये होंगे, वो भी अगले दिन। आपने सही सुना, अगले दिन ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे, आज के डेट में नहीं होने वाले हैं, वर्किंग डे में ही ये वर्क करते हैं। रिपेमेंट यहाँ पर देख पाएंगे 2,090 रुपये करने होंगे और लोन पीरियड जो हो जाते हैं 2 मंथ के लिए होते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर लोन लेकर नहीं दिखा सकता हूँ। फिर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरी लोन यहाँ पर अप्रूव है 1,000 के बाद 2,000 रुपये के लिए। यहाँ पर रेडी है कि यहाँ पर 1599 रुपये हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर लोन लेना चाहता हूँ तो। और आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 महीनों के लिए समय दिया जा रहा है। तो भाई ये जो भी थी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे जगह मेरे लोन ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ऐसे में हर एक जगह से मैं लोन लेकर आपको नहीं दिखा सकता। ये चीज़ें आपको यहाँ पर कंफर्म बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोन से अप्लाई करते हैं तो 99.9% चांसेस होता है कि दोबारा आपको लोन मिल जाए, क्योंकि आप ऑन टाइम पेमेंट्स कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को सवाल होगी, इसका सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल गए होंगे। क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। दोस्तों अगर आप इस कंपनी द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी यार, एक बार तो जरूर चेकआउट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।